सोमदीप सर, एनएफएल जी नेशनल फर्टिलाइजर ना जी, रेंज बाउंड टू वीक स्टॉक है सर। ये वीकली चार्ट का जो फॉर्मेशन है, ये इसने 73 का हाई देखा था, उसके बाद में ब्रॉड एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही कह सकते हैं। 65 का अपसाइड में रेजिस्टेंस है और डाउनसाइड में जो सपोर्ट है दैट इज 41-42। तो उसके जब तक बीच है, दोनों साइड्स के मूव आपको मिल रहा है। लोअर लेवल पे अगर सपोर्ट जोन में आता है, वहां से फिर से पुल बैक देता है, ऊपर के जोन में फिर से सेलिंग आता है, तो क्लासिकल रेंज बाउंड ट्रेड इसमें लिया जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि अगर आपको 44-45 के जोन में ये मिलता है, और वहां पर आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए कि मार्केट कंडीशंस क्या है, क्या आपको लॉन्ग लेना है या नहीं, वो एक बार वहां पर उस जोन पे रिव्यू कर सकते हैं। अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि 45 के जोन में आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड एक बार वहां पर फेवरेबल होगा, तो वहां पर एक बार रिव्यू कर सकते हैं। अभी के लिए तो कोई ट्रेड में समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं क्योंकि रेंज में चल रहा है और उस रेंज के बीच में काम कर रहा है फिलहाल, प्लस सेंटिमेंट या अगर थोड़ा सा नीचे साइड में है भी तो भी कहीं ना कहीं बाजार का सेंटिमेंट अभी ऊपर साइड की तरफ देखने के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए जब तक वो बिल्कुल नीचे के लेवल्स पे ना आ जाए, यानी रेंज के निचले लेवल्स पे, और प्लस बाजार का सेंटिमेंट भी उस समय देख करके और बाकी डेटा देख करके, तो राय बनाई जा सकती फिलहाल तो।